सो शाहजहां ने शालीमार गार्डन को भी कंस्ट्रक्ट करवाया। शाहजहां के बारे में हम पिक्चर तो अब देख चुके हैं, तो अब हम सीधा व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। सो जी, ये इनिशियल डिटेल्स हमारे पास आ गए शाहजहां के बारे में। पीक ऑफ थ्रोन था और इन्होंने जो है वो 1642 में शालीमार गार्डन को बनाया। शालीमार गार्डन जो है, जो अपने से अक्सर लोगों को पता भी था, उन्होंने आंसर भी दिया, लाहौर के अंदर वाक्य है, लाहौर के अंदर। शाहजहां जो है ये वही पर्सन था कि जिसने कैपिटल जो है मुगल एम्पायर का कैपिटल जो है वो आगरा से दिल्ली की तरफ शिफ्ट किया था। तो ये एक अक्सर क्वेश्चन आता है कि जो कैपिटल है वो किसने शिफ्ट किया था, वो हमारे पास वहां पे नाम आता है शाहजहां। शाहजहां कैपिटल को शिफ्ट किया था, इसने आगरा से उठाया था, दिल्ली जो है वो ले आया। देखिए, जहांगीर की जो वफात के बाद जो है वहां पे भी स्ट्रगल वही हुई थी जो कि शाहजहां के बेटों के दरमियान हुई थी, उनको भी देख लेते हैं। अच्छा जी, मैं कैपिटल वाली बात लिख दूं जरा, कैपिटल मूव्ड फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। सो जहांगीर के बेटों के दरमियान भी वही सारे का सारा सीन जो है वो चलता रहा। सो जो बच्चे जो हैं जहांगीर के, वो जो लड़ते रहे थे, वो हमारे पास जो भी थे, लेकिन शाहजहां भी उसी तरह से था जिस तरह से औरंगजेब था। सो वो कहते हैं ना, करता धरता सारे का सारा। सो शाहजहां ने भी कोशिश की कि मैं उसी तरह से जिस तरह से बाकी जो है वो भाइयों से लड़ लड़ के जो है उसने अपने तख्त को संभाला, तो बाद में उसको भुगतना पड़ा। और जब ये तख्त पे बैठा तो इसने एक टाइटल अपने लिए जो है वो उसका इंतखाब किया, शाहजहां अल सुल्तान अल आजम वल खाकान अल मुकर्रम मलिकुल सल्तनत आला हजरत अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां। तो ये लंबा चौड़ा नाम इसका यहीं पे खत्म नहीं होता, बल्कि साहिब किराने सानी, बादशाह गाजी, फिरदौस आसियाना, शहनशाह सल्तनत वगैरह वगैरह वगैरह, इस तरह के इसने ढेरों सारे जो है वो टाइटल अपने लिए चूज किए। तो ये जो टाइटल्स इसने चूज किए वो 1628 में किए, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि इसने अपने लिए जो टाइटल्स का इंतखाब किया था वो 1628 के अंदर हुआ था। शाहजहां ने, एक क्वेश्चन है कॉमन सेंस का, शाहजहां ने कितनी देर जो है वो हुकूमत की थी, बहुत इजी क्वेश्चन जो है वो, कितनी देर तक जो है वो शाहजहां ने हुकूमत की थी, हाउ मेनी ईयर्स जो है वो शाहजहां स्पेंट ऑन द थ्रोन, कितने साल तक किए थे, वेरी इजी क्वेश्चन, कितने साल गुजारे थे उसने, 64 साल, वेरी गुड सिद्रा, सिद्रा का आंसर बिल्कुल ठीक है, 64 साल, मुझे लगता है 164 साल होंगे, सिद्रा खुदा का खौफ करें ऐसे ना लिखें, शाहजहां जो है वो उसने उठ के दोबारा वापिस आ जाना है, उसने कहना कि 64 साल होते तो मैंने सबसे पहले औरंगजेब को जो है वो उसने मारना था, शाहजहां जो है वो 164 साल होते ना, उसने औरंगजेब को भी मारना था और उसके बाद उसने आ जाना था कि चले हम मुझे सिद्रा का पता बताएं जिसने मुझे जो है वो कब्र से झंझोड़ के उठाया है, ठीक है। अच्छा, ये 22 ईयर्स वाले जो है वो 22 नहीं है जी, 30 ईयर्स, 30 ईयर्स मंथ किए थे। मैंने बताया था कि शाहजहां जो है उसका झगड़े जो है वो काफी हुए राजपूतों के साथ। जो पहले वाला झगड़ा है उसका नाम जरूर याद रखिएगा, वो इसका जुझल सिंह के साथ जो है वो हुआ था। नहीं नहीं, 1605 कहां से हो गया, 1592 में तो वो पैदा हो रहा है, ठीक है, इतना काबिल नहीं था, ठीक है। सो जुझल सिंह के साथ था, जुझल सिंह जो है ये बेसिकली बेटा था भीर सिंह बुंदेला का, ये नाम भी इम्पोर्टेंट है, भीर सिंह बुंदेला का ये बेटा था। असल में कहानी ये थी, ये जुझल सिंह के साथ झगड़ा होना नहीं था, इसको इसके अब्बा जो है शाहजहां के, जहांगीर जो है,
उन्होंने बेसिकली कुछ रायात दी हुई थी, कुछ फेवर्स दिए हुए थे। अब वो जो है वो फेवर्स मांगता था शाहजहां से। अब शाहजहां ने कहा नहीं भाई, अब तो जो है वो सारे के सारे मामला बदल गए हैं, तो अब मैं तो तुम्हें वो फेवर्स नहीं दे सकता। तो 1634 में इनका आपस में जो है वो जंग हो गई, या ए सॉर्ट ऑफ रिबेलियन, छोटी होती है लेकिन जो है वो इस बात से इनका झगड़ा हुआ। शाहजहां के दौर में जो है बाज़ औक़ात ऐसे ऐसे लोग भी उठे, तो उन्होंने बाकायदा जो है वो रिबेलियन जो है वो की, बाकायदा उन्होंने बगावत कर दी। सो रिबेलियन सबसे पहली जो होती है वो दक्कन का जो है वो एक नॉमिनेट था, एक दक्कन का जो है एक्स वॉइस राय था, दक्कन का एक नोबल पर्सन था जिसका नाम खान जहान लोधी था। सो शाहजहां के टेन्योर में जिसने बगावत की, जिसने पहली दफा जो है वो उठा, वो खान जहान लोधी था। याद है ये हम वो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जो पिछले पेपर्स के अंदर आ चुके हैं। सो ये डिटेल्स जो है वो याद रखना, सिर्फ जरूरी नहीं है बहुत जरूरी है। खान जहां लोधी जो है बाद में शाहजहां के साथ उसने एक अलायंस पैदा कर लिया, एक मुफाहमत जो है वो पैदा कर ली, और उसने जो है उसके लिए कोशिश की कि मेरे मेरे साथ जो है वो इस ये शाहजहां अपने मामला जो है वो ठीक कर ले। बट अल्टीमेटली जो है वो शाहजहां ने मामला उसके साथ ठीक करने की कोशिश तो क्या, लेकिन इसको जो है वो किल कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया। याद है ये पहली बगावत जो है वो 1631 के अंदर जो है वो होती है, 1631 में ये पहली बगावत होती है। सो इसको भी वो सप्रेस कर देता। शाहजहां की शादी जो है वो अर्जुमन बानो बेगम के साथ होती है। मुझे पहले तो ये बताइएगा कि ये अर्जुमन बानो बेगम जो है वो कौन थी, अर्जुमन बानो बेगम कौन थी। और दूसरा क्वेश्चन ये बताइएगा कि अर्जुमन बानो बेगम जो है इनके साथ शादी होती कब है, इनकी शादी होती कब है। सोलह सौ बारह में। कॉमन सेंस का एक क्वेश्चन है, दो कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन विद एवरी कॉमन पर्सन, बट मुझे बताइएगा शाहजहां की उम्र क्या थी जब उसकी शादी होती है ये अर्जुमन बानो बेगम से। बारह साल थे ना। साया कहती है 14 से 15 साल। ओके 1592 में वो पैदा होता है, तो इसमें आप जो है वो 1612 में उसकी शादी हो जाती है, तो कितने साल बनते हैं। ट्वेंटी ईयर्स। मुमताज महल की जो है वो डेथ भी मैंने बताई थी, कब होती है डेथ इसकी, इसकी 30 में होती है। बेसिकली 1630 में इसकी डेथ होती है एक फैटल डिलीवरी केस की वजह से, और इसकी जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो डेथ होती है। सो 1630 में जो है वो होती है, और ये आगरा में इसका जो है वो टॉम्ब मौजूद है। अच्छा जी 1632 में भी कुछ डिफरेंट होता है। 1632, 1631 में रिबेलियन होती है, दक्कन में खानजहां लोधी होता है और बीर सिंह बुंदेला होता है। 1632 में क्या होता है कि कासिम खान जो है वो अटैक करता है। कासिम खान जो है वो शाहजहां का ही बंदा है, और शाहजहां के कहने पर अटैक करता है। और ये बेसिकली अब की दफा कासिम खान जो है वो अटैक करता है पुर्तगीज के ऊपर जो है वो। पुर्तगीज को इसने सोचा हुआ था शाहजहां ने कि जो जो लोग जो हैं वो जिन्होंने मेरे बाप दादा को और जो अभी मेरे टेन्योर के अंदर जो हैं वो मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश कर सकते हैं, उनको इसने खत्म करना था। तो पुर्तगीज की तरफ से एक हमले का खतरा था, लेकिन उन्हें जो है वो 1632 में कासिम खान ने जो है वो शाहजहां के हुक्म पर 3 महीने तक उनका जो है वो मुहासरा किया रखा और उनको खत्म कर दिया। सो स्टोरी में हम यहाँ पे रुकेंगे। कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है,
आई एम श्योर कि चीजें काफी ढंग से समझ में आई होंगी। सुबह हम शाहजहां को कंप्लीट करके औरंगजेब आलमगीर की तरफ बढ़ेंगे, और इसके बाद एक लेक्चर हमारा मुगल एम्पायर की डिक्लाइन पे होगा कि किस तरह से ये नीचे गिरा, और फिर हम जो है वो पाकिस्तान को कवर करने की कोशिश करें। पॉइंट नंबर 9, 1632 में, 1632 में कासिम खान को हुक्म दिया गया कि आपने पुर्तगीज का खात्मा करना है, जो कि उसने 3 महीने के मुहासरे के बाद कर दिया, उनको खत्म कर दिया, कत्ल कर दिया, जो जिनसे हमले का खतरा था। इज इट फाइन? ओके जी, अब हम चलते हैं सेकंड सेक्शन की तरफ, जो कि क्विज का सेक्शन है, और आपको फाइल्स जो हैं वो भेजी गई। आई एम श्योर कि आपने बिल्कुल तैयार नहीं की होंगी, आपने बिल्कुल, तो चलें फिर इस चीज को चेक करते हैं कि आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा। अच्छा मुझे ये बता, शिमला कॉन्फ्रेंस के वक्त वायसराय सबसे पहले जिन्होंने कोई तैयार नहीं किया वो जाना चाहें तो वो जा सकते हैं, और अलबत्त जो रुकना चाहें और आंसर्स को देखना चाहें वो देख सकते हैं। वेरी गुड मानूर, लॉर्ड वीवल जो है वो उस वक्त वायसराय। अच्छा मुझे बताइएगा कि हड़प्पा जो है, ये सिर्फ 2-3 सेकंड्स के अंदर अगर आपका आंसर आ जाता है तो ठीक है, वरना आप चाहें तो फिर छोड़ सकते हैं। हड़प्पा साहिवाल के अंदर जो है वो लोकेटेड है, क्रेच हो गया जो। अच्छा मुझे बताइएगा कि एयरशिप्स के अंदर जो है वो कौन सी गैस यूज होती है, एयरशिप्स के अंदर कौन सी गैस यूज होती है, हीलियम एयरशिप्स के अंदर इस्तेमाल होती है। अमेजोन के सीईओ का क्या नाम है, जो है अमेजॉन के सीईओ का क्या नाम है, इनका नाम एंडे जैसी है, लेकिन आप याद रखने के लिए अंडे जैसा भी कह सकते हैं अमेजॉन के सीईओ का नाम। टर्की, टर्की जो है इसके कैपिटल का क्या नाम है। नेटो के अंदर कितनी टोटल कंट्रीज हैं, नेटो में कितने ममालिक हैं, 30 कंट्रीज हैं। नेटो बनाया कब गया था, 1949 के अंदर जो वो बनाया गया था। रावलपिंडी कंस्पिरेसी केस कब हुआ था, कौन से ऐसे राइटर थे कि जिनको जो है वो इंडक्ट कर लिया गया था 1951 के अंदर जो है, फैज अहमद फैज जो है वो इन्हें कर लिया गया था। अच्छा मुझे बताइएगा कि हमारे पास ग्रेट हो गया, ओके, ओजरी कैंप इंसिडेंट कब होता है, ओजरी कैंप इंसिडेंट कब होता है, ओजरी कैंप इंसिडेंट कब होता है, 1988। जियाउल हक कब मारा जाता है, जियाउल हक कब मारा जाता है, 1988, 17 अगस्त को। जियाउल हक मार्शाला जो है वो लगाया था, पाकिस्तान में अभी तक कितने मार्शाला लग चुके हैं, हाउ मेनी मार्शाला इज बिन देयर इन पाकिस्तान, नहीं 3 है, आई थिंक 3 है, ओके। पहला मार्शाला कब लगा था, किसने लगाया था, 1958, अयूब खान। सो जी पहला रहा 1958 से लेके 1971 तक, साथ याद रखिएगा 1958 में मार्शाला लगता है, 1971 में सकूते ढाका के बाद जो है मार्शाला हटा दिया जाता है। दूसरा मार्शाला मर्दे मोमिन मर्दे हक जियाउल हक, जियाउल हक साहब ने लगाया था 1978 में। हर दफा माशाल्लाह देखें जब भी खत्म हुआ है तो किसी ना किसी सानहे के साथ हुआ, पहले में हमने पाकिस्तान का एक ईस्टर्न पाकिस्तान खो दिया और दूसरे में हमने जियाउल हक को ही खो दिया, सो 1977 से 1988 में। और तीसरा जो कहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, ये आयन तो एक कागज का टुकड़ा है, वो मुशर्रफ साहब जो है वो
वो कब से कब तक? जुल्फकार अली भुट्टो तो फर्स्ट सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे, ये जो है वो मिलिट्री के जो है वो मार्शल लॉ थे ना। ओके ग्रेट हो गया जी। चलिए कमिंग बैक टू द क्वेश्चंस, मेन क्वेश्चंस, मुझे बताइएगा कि मस्जिद अल अक्सा पर इसराइल ने कब अटैक किया था? व्हेन इसराइल अटैक्ड ऑन मस्जिद अल अक्सा? पाकिस्तान ने हॉकी वर्ल्ड कप कितनी दफा जीता हुआ? चार दफा जीता हुआ, फोर टाइम्स, ग्रेट हो गए। अच्छा मुझे बताइएगा कि सूरज से हम कौन सा वाला विटामिन नहीं लेते हैं? विटामिन बी, बी ट्वेल्व, डी, बोथ ए एंड बी। ग्रेट हो गए, बोथ ए एंड बी, यानी कि हम जो है वो बी और बी ट्वेल्व नहीं लेते हैं। चलिए जी विद दिस नोट के आपको सारे के सारे सेशन में से कुछ भी समझ नहीं आया होगा, ना आपको ये चीजें पता चली, ना शाहजहां पता चला, ना औरंगजेब पता चला, और ना ही आपको जो है कुछ और चीजों को समझ आए। इसी तरह से कल मजीद कुछ चीजों को ना समझने का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, औरंगजेब आलमगीर को भी इसी तरह से समझेंगे जिसने इतना सब कुछ किया। बहुत से क्वेश्चंस औरंगजेब से आते हैं, ढंग से समझने की कोशिश करेंगे और फिर उसके बाद में वो हम अपनी कहानी को रेज्यूम कराएंगे। सो विद दिस होप कि हम सुबह मिलेंगे और हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, मेरे वॉइस नोट के बाद तकरीबन हर एक ने जो है इनबॉक्स में बेस्ट विशेज भेजी और आपने बहुत ढंग से पूछा, अल्लाह ताला की जात उसके लिए जजाय खैर दे आप सबको। और आई एम रियली हम्बल के यू गाइस एक्चुअली सेंट मी अ लॉट मेनी मैसेजेस और आई एम रियली अशेम्ड कि मैं तमाम को रिस्पॉन्स नहीं दे सका, तो आई डू अपोलोजाइज कि आप सब जो हैं वो भेजते रहे, बट आई एम परफेक्टली फाइन एंड थैंक यू सो मच। हम जरूर सुबह मिलेंगे और हम तमाम चीज़ों से जो है वो डिस्कस करें। ख्याल रखिए जी अपना आप सब भी।